प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हर एक डिप इसको खरीदने की सलाह दी थी, 80 पैसे तक गिर चुका था स्टेक और अभी 1 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, 30% ज्यादा जंप दिखा चुका है, बैक टू ₹1। देखिए यही होती है अपॉर्चुनिटी। सीबीआई केस ने आपको अपने एवरेज को लो करने की अपॉर्चुनिटी दी थी और हमारा चैनल इसको कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है, 5G के चलते हुए स्टार परफॉर्मर देगा आगे चलकर। इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के रखिए, बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन जो सीबीआई की रिपोर्ट से पहले था। ओवरऑल बियर ग्रुप में है, 20% से नीचे गिरा हुआ है। पैट को लेकर थोड़ी सी समस्या है, देखिए यहां पर ऑपरेशन के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हैं और इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम इतनी तेज नहीं बढ़ रही है, इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका नीचे रह रहा है। तो इसकी अब एक ही समस्या है, जो 5G के आने के बाद जैसे जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, इसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगा और साथ साथ में पैट भी बढ़ना शुरू होगा, जो इस स्टॉक को फिर से ₹100 के लेवल तक लेके जा सकता है आने वाले 3 सालों के अंदर। तो काफी अच्छा पोटेंशियल है इस स्टॉक में। ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, काफी तगड़ा बिग फॉल हुआ है और लोअर लेवल आर ऑलवेज गुड फॉर दिस स्टॉक टू बाय। टेक्निकली अगर देखें तो अब क्या होंगे अगले लेवल, आइए समझते हैं। आज बंद होते थे ₹1.05 पर बंद हुआ यह स्टॉक, यहां पर 50-day मूविंग एवरेज इसका 119 के आसपास है, तो सबसे पहला टारगेट इसका 119 रहेगा और कुछ दिन ये 119 और 130 के बीच में ट्रेड करना चाहिए हमारे हिसाब से। आज का वॉल्यूम अगर देखें तो आज ओवरऑल 1.4 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इसमें, साथ साथ में एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर इसने सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है। बुलिया बैंड को देखें तो बैंड के बाहर कैंडल बनना क्लियर इंडिकेट करता है कि यहां पर आपको बाय करना है, ओवर सोल्ड जोन आ चुका है और सबसे पहला टारगेट इसका ₹1 का था जो इसने अचीव कर लिया है। अब हमारे हिसाब से अगला टारगेट ₹1.25 का होना चाहिए इस स्टॉक में ऊपर चलते हुए। देखिए 80 पैसे थे, ₹1.25 बहुत कम समय में पहुंच जाएगा यह स्टॉक। मैकडी यहां पर बाय सिग्नल शुरू होने वाला है और साथ साथ में सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है ₹1.14 का, वो बहुत जल्दी टूटकर ऊपर जाएगा। आरएसआई फिर से 45 हो गया है, ये आरएसआई जो ओवरसोल्ड जोन में था यहां पर आपको खूब अच्छे से माल खरीदना था, इस टाइम पर आरएसआई 11 के आसपास था, इतना ज्यादा आरएसआई नीचे गिरना क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट ने ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर ली है। टेक्निकल सेल ऑफ चले तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक फिर गिरे, एफआईआई की सेलिंग आए जो आपको